ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये वाक्य आपने अपने जीवन में कई बार सुने होंगे, जिसका सीधा सा अर्थ है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को पीटने से ही ये सही काम करते हैं। इन पंक्तियों को लिखा है करीब 445 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचना रामचरितमानस में। इन पंक्तियों को गलत साबित कर दिखाया है भोपाल की रहने वाली सुप्रिया जाटव ने। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। अमेरिका के लास वेगास में हुए कराटे के यूएस ओपन टूर्नामेंट में भोपाल की 30 साल की खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऐसा करने वाली वे भारत की पहली महिला कराटे खिलाड़ी हैं। आपको बता दें, सुप्रिया के पिता सेना से रिटायर्ड हैं। सुप्रिया जाटव दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। वह उनका पूरा परिवार मूल रूप से आगरा के गांव पुरा चुन्नीलाल का रहने वाला है। सुप्रिया जाटव के पिता ने केवल आत्मरक्षा के लिए बेटी सुप्रिया को कराटे सीखने के लिए भेजा था, लेकिन बेटी ने इसी खेल को अपना करियर बना लिया। सुप्रिया अब तक 6 इंटरनेशनल गोल्ड, 22 नेशनल गोल्ड सहित 37 मेडल जीत चुकी हैं। इनमें 12 इंटरनेशनल मेडल भी शामिल हैं। बीते शनिवार को ही भोपाल लौटी सुप्रिया ने मीडिया को बताई अपनी सफलता की पूरी कहानी। सुप्रिया ने मीडिया को बताया कि मैं उस समय 6 साल की थी जब पापा ने मुझे ग्वालियर में कराटे सीखने भेजा। मुझसे कहा, ये खेल लड़कियों के लिए अच्छा है, इसमें सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे ताकि मुसीबत में काम आए। सीखते सीखते ये खेल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे ही अपना करियर बनाने की ठान ली। एक साल में ही मैं मेडल जीतने लगी। साल 2002 में मैं साई धार के लिए सिलेक्ट हुई। निश्चित तौर पर सुप्रिया जाटव ने जो मिसाल पेश की है वो वाकई काबिल ए तारीफ है। सुप्रिया जाटव ने जो किया है उसने नारियों के प्रति तमाम भ्रांतियों को तोड़ा है, साथ ही उन कथित ऊंची जात वाले मनवादी विचारधारा के गाल पर भी जोरदार तमाचा मारा है, जो कहते हैं दलितों में प्रतिभा नहीं होती, दलित आरक्षण की बैसाखी के दम पर जिंदा है, दलित आरक्षण की वजह से ही देश विकास नहीं कर पा रहा है। आज ऐसे सवालों पर सुप्रिया जाटव ने फुल स्टॉप लगाकर इतिहास रचकर साबित कर दिया है कि हम दलितों को सिर्फ एक बार मौका मिलना चाहिए, फिर वो अपने परिश्रम की दम पर मंजिल को पाना कोई बड़ी चुनौती नहीं होती है। खैर, आप सुप्रिया जाटव की इस कहानी से क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? सुप्रिया जाटव के बारे में आपके क्या सुझाव हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को और युवाओं को शेयर जरूर करें, ताकि सुप्रिया जाटव को देखकर समाज की और लड़कियां भी उससे सीख ले सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।